हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल KDM ऑनलाइन क्लासेज में। एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे की जो नई भर्ती के रिगार्डिंग, रेलवे ने छात्रों के साथ में बहुत बड़ा धोखा नाइंसाफी की है, तो उसी के कैसे नाइंसाफी है दोस्तों उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे जो पहले मतलब अनकम्प्लीट यानी वेटिंग लिस्ट है उनको वेटिंग लिस्ट को क्लियर करती जा रही है। यानी कि अभी ऐसा तो नहीं है कि रेलवे ने 2018 यानी दोस्तों 2018 की वेटिंग लिस्ट 2024 में निकल रही है, यानी कि 6 साल के बाद में वेटिंग लिस्ट निकाल रहा है रेलवे, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे दोस्तों। ये वेटिंग लिस्ट कहाँ से आई है और ये कौन से जोन कौन से RRB से आई है, तो वीडियो को पूरा देखेगा, लास्ट तक देखेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल KDM19 को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हो। अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कल ही नोटिस आया था, 7 तारीख को ये नोटिस आया है बेंगलोर RRB की तरफ से। अब देखिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बेंगलोर, ये देख लेगा। ये देखिएगा दोस्तों CEN 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, किसके रिगार्डिंग नोटिस है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के रिगार्डिंग नोटिस है। आप देखिएगा दोस्तों इसमें क्या चीज़ मेंशन, एडिशनल प्रोविजनल पैनल रिकमेंडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यानी दोस्तों टेक्नीशियन का रिकमेंडेट वापस रीमेडिकल यानी रीपैनल आया है, कहने का मतलब रीपैनलिंग पैनल यानी दोस्तों वेटिंग लिस्ट आई है टेक्नीशियन पोस्ट की 2018 की भर्ती की दोस्तों, कितने साल बाद, टोटल 24 साल बाद में देखिएगा दोस्तों, यानी टोटल 6 साल बाद में। अब इसमें कितने कैंडिडेटों को मौका दिया गया, खूब बड़ी वेटिंग लिस्ट है दोस्तों, खूब कैंडिडेट हुए, यानी 300 कितने कैंडिडेटों को मौका दिया है दोस्तों, 377 कैंडिडेटों को इस वेटिंग लिस्ट में क्लियर किया है। अब देखिएगा दोस्तों 377 वो भी टेक्नीशियन के वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है 377 RRB बेंगलोर की तरफ से। अब देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन सी इन कैंडिडेटों को पोस्ट अलॉट किया है एंड इसमें क्या क्या देखेगा, सबसे ज़्यादा ये कैटेगरी नंबर 25 की पोस्ट है दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन 105 लोगों को ये पोस्ट अलॉट की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों कैटेगरी नंबर 31 की टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल में 11 लोगों को ये पोस्ट अलॉट की गई है। अगला देखिएगा दोस्तों कैटेगरी नंबर 34 की पोस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल डीजल में 3 लोगों को ये पोस्ट अलॉट की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में 6 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है एंड आगे देखिएगा दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पावर में 33 लोगों की पोस्ट अलॉट की गई है। और आगे देखिएगा दोस्तों 48 कैटेगरी नंबर 48 में दी गई है टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप में 5 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों कैटेगरी नंबर 49 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिक ट्रेन लाइटिंग में 21 लोगों को ये पोस्ट अलॉट की गई है। कैटेगरी नंबर 50 देख लीजिएगा टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप में 10 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों कैटेगरी नंबर 51 देखिएगा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD 8 लोगों को और कैटेगरी नंबर 52 टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल TRD OHV 6 लोगों को ये पोस्ट अलॉट की गई है। आगे देखिएगा कैटेगरी नंबर 54 टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिकल TRS में 3 लोगों को और कैटेगरी नंबर 61 टेक्नीशियन ग्रेड फीटर में 6 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है दोस्तों। और देख लेगा आगे देख लेगा कैटेगरी नंबर 66 में टेक्नीशियन ग्रेड फीटर वर्कशॉप में 94 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है दोस्तों। और लास्ट देखिएगा कैटेगरी नंबर 81 टेक्नीशियन मशीनिस्ट में 2 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है। और आगे देखिएगा अभी तो हो रहा है दोस्तों कैटेगरी नंबर 84 में टेक्नीशियन ग्रेड मशीनिस्ट में वर्कशॉप में 5 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है, टेक्नीशियन ग्रेड मैकेनिकल में भी 5 लोगों को, टेक्नीशियन ग्रेड मल्टी स्किल्ड फीटर में 1 को पोस्ट अलॉट की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों कैटेगरी नंबर 121 टेक्नीशियन ग्रेड प्लम्बर पाइप फीटर में 1 को, टेक्नीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में दोस्तों 18 लोगों को पोस्ट अलॉट की गई है। एंड कैटेगरी नंबर 134 में टेक्नीशियन सिंगल में 6 लोगों को, यानी सिंगल डिपार्टमेंट में भी दोस्तों पोस्ट
पोस्ट अलॉट येट कर। टेली कम्युनिकेशन में भी दोस्तों 6 लोगों को, ट्रैक मशीन में भी दोस्तों पोस्ट अलॉट 22 लोगों को कर दी गई है। ऐसे दोस्तों टोटल 377 लोगों का बहुत बड़ा पैनल है दोस्तों, ये तो बहुत ही बड़ा पैनल है, यानी 377 लोगों का पैनल क्लियर किया है 2018 की टेक्नीशियन भर्ती का। और सभी दोस्तों को, सभी जिन भाइयों का इस पैनल में नाम है उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ 2018 की वैकेंसी में आपको जॉब मिलने के लिए। अभी दोस्तों रेलवे ने एज ए टेक्नीशियन एंड ALP का नोटिफिकेशन दोस्तों एज ए निकाला है। ये ALP का नोटिफिकेशन दोस्तों 5696 पोस्टों पे निकाला गया है और टेक्नीशियन का एज ए 9000 के लगभग पोस्ट को नोटिफिकेशन निकाला है। अब दोस्तों इसमें कितनी अगर रेलवे कितनी तरह से इसमें पूरी तरह नोटिस को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में पूरी तरह से बखूबी उतरती है, आपको पता ही होगा दोस्तों। रेलवे ने GDC के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बोला था कि एक साल में हम GDC कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन रेलवे अब GDC को ले गई है दोस्तों 2026 तक कंप्लीट करने के प्रस्ताव पास कर दिया रेलवे ने, यानी 2026 तक। तो दोस्तों रेलवे का कोई भरोसा नहीं है कि ये रेलवे दोस्तों, ये कोई SSC जैसा डिपार्टमेंट नहीं है कि चलो भर्ती आई तो क्लियर हो ही जाएगी। रेलवे का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, एक साल में भर्ती क्लियर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हमें तो नहीं लग रहा दोस्तों कि रेलवे अगर कर देगी तो ये कोई अजूबे से कम नहीं होगा, बट दोस्तों हमें नहीं लग रहा कि रेलवे ये टेक्नीशियन की जो रिगार्डिंग जो टेंटरी नोटिस निकाल रहा है दोस्तों, इस पर रेलवे खड़ा उतरेगा, टेक्नीशियन ALP जो भी भर्ती हो दोस्तों। क्योंकि रेलवे में लगभग देखिएगा GDC में लगभग 10,000 के आसपास बंदे थे, ज़्यादा बंदे नहीं थे, और 10,000 के आसपास पोस्ट थी, ज़्यादा पोस्ट भी नहीं थी, उसमें ज़्यादा लोग भी नहीं थे, जिसमें एक दिन एग्ज़ाम हुई थी 15/12/23 को, वो भी दोस्तों रेलवे ने ऐसी एग्ज़ाम एजेंसी को चुना जो एग्ज़ाम सही तरीके से करा ही नहीं सकी, और रेलवे को उस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। एंड दोस्तों उसके बाद में रेलवे ने GDC को 2026 तक किसका दिया, और सभी जोनों को, यानी पहले जो रेलवे ने सेंट्रलाइज की थी GDC को, उस सभी जोनों को बता दिया कि अपने आप तुम ही देखो कैसे कैसे अपने आप वैकेंसी क्लियर कराती हो, यानी तो जोनों ने वैकेंसी अपने आप अपने अंडर में आ गए सभी जोनों की। अब सभी जोनों की 2026 तक वैकेंसी को कवर करके 2026 तक क्लियर करने का वादा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रेलवे में कुछ भी हो सकता है, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, एक साल में वैकेंसी क्लियर। बट दोस्तों रेलवे अगर एक साल में वैकेंसी क्लियर कर देती है ALP टेक्नीशियन NTPC ग्रुप डी की जो भी भर्ती आएगी यानी अपकमिंग, तो दोस्तों ये किसी अजूबे से कम नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर दोस्तों वॉचिंग।